नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर हमारा एक खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी नमो हैट्रिक के लिए बेताब। आपकी बार 370 पार को लेकर प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक मंथन और बैठकों का दौर चल रहा है। मंथन 370 पार के लिए, मंथन तीसरी बार मोदी सरकार के लिए। थोड़ी ही देर में दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सबसे पहले इस बारे में आपको जानकारी दे दें। इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना। हमारे इस कार्यक्रम में आज हम उन चेहरों पर चर्चा करने वाले हैं जिनके मैदान में उतरने की पूरी पूरी संभावना है। आइए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। आज इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाते 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाना संभव। दिल्ली में अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस बैठक में होगी। अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। रखा है लक्ष्य 370 पार का, और इन टारगेटेड सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा चेहरा मैदान में होगा, हो सकता है कि कुछ ही देर बाद ऑफिशियली ऐलान बीजेपी की तरफ से हो। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। 5 राज्यों की कोर ग्रुप की मीटिंग है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होनी है। बैठक के बाद सीधे उम्मीदवार की घोषणा करते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल हलचल बहुत ज्यादा तेज, क्योंकि मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में भी संभावनाएं कई सारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हो सकता है नए चेहरे हों, हो सकता है कि महिला उम्मीदवार ज्यादा हों। कौन सी ट्रिक इस बार अपनाई जाती है 370 पार करने के लिए, यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है कि पहली सूची के तौर पर सामने आए। दिल्ली आपको सीधे लिए चलेंगे। सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, चुनाव समिति की बैठक का इंतजार फिलहाल है, उसके बाद शायद सूची भी जारी होनी है। क्या हलचल इस खबर को लेकर? हाँ अवंतिका, देखिए ये मैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूँ और मेरे आसपास आप देख सकती हैं कि यहाँ पर पीछे साइड में सब जगह जो है सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत कर दिया गया है। करीब 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और फिर केंद्रीय चुनाव समिति की भाजपा की बैठक शुरू होगी, और इस बैठक में ही जो उम्मीदवार हैं यानी जो भाजपा का लोकसभा चुनाव में चेहरा बनेंगे उनके नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। सभी राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक राज्यों में भी हो चुकी है और केंद्र में भी हो चुकी है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति अपनी संस्तुति देगी यानी अपना अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। उनकी रजामंदी के बाद जो भी नाम तय होंगे वो फाइनल कर लिए जाएंगे और फिर संभवतः कल या परसों भाजपा अपनी पहली सूची जारी करेगी, और पहली सूची में जो उम्मीद जताई जा रही है उसमें प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी वो शामिल होगा, गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर वो शामिल होगा, लखनऊ राजनाथ सिंह का गृह क्षेत्र है वो राज्य उस पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे, और दूसरा जहां पर भाजपा चुनाव हारी है जो उसकी हारी हुई सीटें हैं उस पर भी आज उम्मीदवारों की ज्यादा संभावना है कि घोषित कर दिए जाएं। जी अशरफ, इस पर चर्चा और ज्यादा होनी चाहिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं दर्शकों को, जिसमें चूंकि ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कमान लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने के कहीं ना कहीं कगार पर, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लिस्ट में 100 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्यों खास है ये भी आपको बताएं कि वो उम्मीदवार भी हो सकता है कि इसी लिस्ट में शामिल हो। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार है। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के पैनल पर चर्चा हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के पैनल तैयार हैं, और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के आने वाली उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार है। दिल्ली से निकलकर आ रही खबरों पर भरोसा करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 14 नए चेहरों को मौका देने जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में 5 से 6 सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी है। अब जब नए चेहरों को मौका दिया जाएगा तो कुछ पुराने चेहरे यानी मौजूदा सांसदों के टिकट कटने तय हैं। मध्य प्रदेश में जिन लोगों के टिकट कटने की बात कही जा रही है उनमें भोपाल, रतलाम, झाबुआ, रीवा, ग्वालियर के सांसदों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं।
वहीं छत्तीसगढ़ में भी 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 18 दावेदारों का पैनल तैयार किया है। पार्टी इस बार 3 से 4 महिला उम्मीदवार उतार सकती है। अरुण साव, गोमती साय, रेणुका सिंह तीनों विधायक बन गए हैं तो इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं जांजगीर, महासमुंद और कांकेर के सांसदों का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है, जबकि कोरबा और बस्तर में मिली हार की वजह से माना यह जा रहा है कि यहां पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी कई चेहरों और कुछ पुराने चेहरों के साथ सत्ता के महासंग्राम में कूच करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय पर जहां पर नजरें अब चूंकि लगी हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवार हो सकता है कि पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है कि जो नाम है उसमें कई बार आप ये भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि चौंकाने का काम भी किया जाता है। और चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बात हो रही है तो ऐसे कई चेहरे भी माने जा रहे हैं जिनके टिकट भी कट सकते हैं, कई ऐसे चेहरे जिनको नया मौका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से जिस प्रकार से आप रिपोर्ट भी देख रहे थे उसमें भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि पुराने चेहरों को हटाया जाए। और ये ग्राफिक्स अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, पत्ता किसका कटने वाला है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। राजबहादुर सिंह सागर सीट से सांसदी के तौर पर हो सकता था कि उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन अब इस प्रकार के कयास कि शायद पत्ता कट सकता है वो तमाम चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश में अभी तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं उनमें परिवर्तन आप देख सकते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन हुआ तमाम ऐसे चेहरे जो बहुत नए थे प्रदेश के लिए वो भी आपने देखे। छिंदवाड़ा से फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा जा सकता है। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी कि बीजेपी आखिर कैसे कार्ड ढूंढ रही है 370 पार का। संभावित चेहरों को लेकर जानकारी, जांजगीर चांपा पत्ता किसका कटेगा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम, भोपाल सीट से सांसद हैं बहुत बेबाकी से बयान देने के लिए जानी जाती हैं। शंकर लालवानी का जिक्र है, इनका भी पत्ता कट सकता है, इंदौर सीट से सांसद रहे। विवेक शेजवलकर ग्वालियर चंबल अंचल से बहुत ज्यादा प्रचलित, लेकिन हो सकता है टिकट इनको ना मिले। तो छत्तीसगढ़ का भी जिक्र, मध्य प्रदेश का भी जिक्र है और विस्तार से हम समझ लेते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशरफ काजमी है दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, आप सुन ही रहे थे उन्हें, प्रशांत कटारे हैं भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, आकाश शुक्ला आपको देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। अशरफ आपके पास में आऊंगी, इससे पहले मध्य प्रदेश के लिहाज से प्रशांत से स्थिति समझ लेते हैं। प्रशांत, तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे जिनके टिकट संकट में है, इस प्रकार की खबरें हलचल है क्या भोपाल में? बिल्कुल, देखिए जो 2-3 आप नाम ले रही थी, सबसे पहले अगर उन्हीं पर हम बात कर लें, विवेक शेजवलकर उम्र कहीं ज़्यादा हो गई है और एक ये बड़ा फैक्टर है उनका अगर टिकट कटता है और जिसकी संभावना भी ज़्यादा है। आपने राजबहादुर की बात की, राजबहादुर के साथ एक दूसरा फैक्टर, उम्र उनका फैक्टर नहीं है बल्कि उनके साथ फैक्टर ये कि वो भूपेंद्र सिंह के नज़दीक ही हैं, भूपेंद्र सिंह मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किए गए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तीसरा, अगर आप भोपाल सांसद का जिक्र करेंगे, भोपाल में अक्सर चेहरा हर बार चेहरा अमूमन बदल जाता है। दूसरा, कुछ बहुत ऐसा कोई उपलब्धि भी नहीं है भोपाल सांसद की जिसके आधार पर उनका, यहाँ तक कि पैनल में भी उनका नाम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनका जिक्र आपने भी किया और क्यों कट रहा है ये जरूर समझ लीजिएगा, चूंकि ऐसे फैक्टर हैं। जो 2 बार से ज्यादा के सांसद हैं, 3 बार 4 बार 5 बार सांसद रहे हैं, उनका भी टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है, चूंकि ऐसे में दावा बढ़ जाता है कि भाई आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन जो पहली बार चुनकर आएगा उसके ऊपर आपका उसका कोई प्रेशर नहीं रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि आज जैसा कि अशरफ बता भी रहे थे कि लगभग फाइनल हो जाएगी, सीसी की बैठक में नाम भी फाइनल हो जाएंगे, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड कोई बैरियर ना आ जाए, कहा यह भी जा रहा है कि आधा दर्जन से ज़्यादा महिला फेस इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी उतारने जा रही है और आधे से ज़्यादा फेस बदल भी जाएंगे, यानी 15-16 फेस कम से कम आपको नए नजर आएंगे मध्य प्रदेश में, ये लगभग तय माना जा रहा है जो सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि लेकर भी चर्चा चल रही है, इस पर कोई अपडेट है क्या, कोई हलचल इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए उनका नाम बहुत मजबूती से चल रहा है विदिशा से वो पहले भी लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, रमाकांत भार्गव उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर रमाकांत भार्गव जाने जाते थे, रमाकांत भार्गव, लेकिन उनके साथ भी एक बड़ा फैक्टर उनकी उम्र ज़्यादा हो चली है। दूसरा, वो सक्रिय भी नहीं रहे, उनको लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं है जनता, अगर आप मैदान में जाएंगे तो कार्यकर्ता भी उनके फेवर में नहीं है, बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही ये कहता है कि भाई आप इन चेहरे इनको हटा दीजिए, हमने अपने सांसद को कभी देखा नहीं।
शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और स्वाभाविक है कि उन्हें उस लोकसभा पर भेजे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, लगभग तय माना जा रहा है कि विदिशा से, विदिशा उनका लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे में कई और बड़े चेहरे हैं जिनका, वीडी शर्मा का हालांकि दो तीन जगह से, अलग अलग जगह से नाम था उनका, भोपाल से भी उनका नाम था पैनल में, मुरैना से उनका नाम था, इसके अलावा उनका खजुराहो से, चूंकि वो वर्तमान में सांसद हैं ही, तो उनकी खजुराहो से लड़ने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, बहुत दिलचस्प नाम आप बता रहे हैं प्रशांत, जो भी हैं हम लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के लिहाज से, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से समझना जरूरी, क्योंकि माना जा रहा है कि महिलाओं को टिकट मिलने की तैयारी है शायद। आकाश, 370 पार का टारगेट है छत्तीसगढ़ में, कैसे पूर्ण किया जाना है? देखिए, देश में 370 का पार का भाजपा टारगेट रखी है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें और 11 सीटें पूरी जीतने का लक्ष्य रखी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज जो बैठक होनी है उसमें जो 11 सीटों में नाम पर तो सहमति बन जाएगी, लेकिन जो पहली सूची में 5 से 6 सीटों पर ही नाम जारी हो सकता है, जल्द ही उसके जारी होने की बात कही जा रही है। अगर महत्वपूर्ण सीटों को देखें तो विधानसभा चुनाव के दौरान 3 सीटें खाली हुई थी, एक सरगुजा की सीट थी जहां से रेणुका सिंह विधायक बनकर निकली है, सीएम विष्णुदेव साय का क्षेत्र है, दूसरा रायगढ़ क्षेत्र रहा है जहां पर गोमती साय सांसद थी अब विधायक बन गई, और बिलासपुर से डिप्टी सीएम अरुण साव विधायक बने और उप मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, तो ये 3 सीटें खाली है, तो नए चेहरे स्वाभाविक तौर पर यहां से निकालेंगे, तो उस पे बात हो रही है। इसके साथ ही बस्तर की जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में है, तो वहां से कैंडिडेट पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरबा और जांजगीर चांपा सीट पर भी ऐलान करने की बात कही जा रही है। 11 सीटों में अगर प्रत्याशी चयन की बात करें तो सीधे तौर पर माना जा रहा है कि नए प्रत्याशियों को मौका देने की बात कही जा रही है, एक या दो प्रत्याशी जो पूर्व, एक या दो सिटिंग जो सांसद है वो रिपीट हो सकते हैं, बाकी सभी चेहरे जो है नए रहेंगे। युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को साधने के लिए कुछ सीटें महिलाओं को भी दी जा सकती है, रायपुर में चर्चा चल रही है। इसके साथ ही दुर्ग जो सीटें हैं अभी विजय बघेल वहां से हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको मौका दिया जा सकता है, हालांकि कई नाम और सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही राजनांदगांव जैसी सीट है जहां पे भी बदलने की बात सामने आ रही, तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो लगातार चर्चा में है, संगठन इस पर विचार कर रहा है और जल्द ही जो है वो यही सबसे ज्यादा चल रही है। लौटूंगी आपके पास अशरफ, चूंकि हलचल का हॉटस्पॉट आप ही के पास है आज, चूंकि परिवर्तन हमने देखा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जो सरकार आई है, सभी नए चेहरे हैं, आप एक अंदाजे के तौर पर आप क्या बता सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी अशरफ? हाँ बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में भी नए चेहरे को उतारा जाएगा, 14 सांसद जो हैं करीब करीब उनको बदला जाएगा, उनकी जगह नए चेहरों को दिया जाएगा, तो ये कहिए कि जो नए और पुरानों का मिश्रण होगा उसमें, और अनुभव, या ये कहा जा सके कि युवा और अनुभव उसका मिश्रण होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 50 साल से कम उम्र के सांसद हैं, कम उम्र के लोग हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे और जनता का प्रतिनिधित्व करें, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत साफ है, और इसमें एक चीज़ और जो पहलू है, क्योंकि सरकार जिस बात को लगातार कहती आ रही है कि हमने महिला आरक्षण का दिया है उन्होंने, तो अब वो अपनी पार्टी में भी उसी चीज़ को लागू कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़े, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में भी होगा और मध्य प्रदेश में भी होगा। पहले से 2019 लोकसभा चुनाव से ज्यादा महिलाओं को मौका दिया जाएगा कि वो जनता के बीच में जाएं और केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों को गिनाएं, उसी के बेस पे वो फिर वापस संसद लौटे, तो इस तरह की रणनीति है। आज इसी पर चर्चा की जाएगी, और अगर कहीं किसी जो राज्य सरकार ने, कोर ग्रुप ने जो नाम भेजे हैं, या ये कहा जाए कि केंद्रीय कोर ग्रुप की प्रस्ताव के बाद अब जब सीईसी भी जो नाम आएंगे, अगर किसी नाम पर कोई आपत्ति नहीं की गई, कहीं कुछ उसमें आरोप नहीं है, कहीं उन पे दाग नहीं है, तो उन्हीं नामों को प्रधानमंत्री की भी सहमति मिल जाएगी और उनको लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा, वही लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा होंगे। और बहुत
चलिए देखने वाली बात है अशरफ की कैसे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान पार्टी इस बार चौंकाती है, क्योंकि हर बार यही खेल देखने को मिलता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, प्रशांत आपका भी धन्यवाद, आकाश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, एक अनार पांच दावेदार से जुड़ी हुई। ग्वालियर लोकसभा सीट का जिक्र करें, चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले कांग्रेस के दावेदारों के चेहरे सामने आने लगे हैं। आलम यह है कि अकेले ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा नेता टिकट की चाहत में है। कांग्रेस का यह दावा है कि यहां पार्टी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मुकाबले के काबिल ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में भी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जबरदस्त उत्साह है। यही वजह है कि ग्वालियर लोकसभा सीट से टिकट के लिए अब कांग्रेस के दावेदारों की कतार लंबी होने लगी है। आइए एक नजर डालते हैं दावेदारों पर। एक ग्वालियर, छह दावेदार। राम सेवक बाबूजी पूर्व सांसद, प्रवीण पाठक पूर्व विधायक, सुनील शर्मा कांग्रेस महासचिव, देवेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष, मितेंद्र सिंह यूथ कांग्रेस। कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर जोरदार उत्साह है। उनके पार्टी में कई चेहरे हैं जो चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं, इसी वजह से दावेदार बढ़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं में गुटबाजी है, लिहाजा जीत कांग्रेस की होगी। ग्वालियर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पास युवा प्रत्याशी भी हैं और अनुभवी प्रत्याशी हैं, जो जनता के हितों के लिए लगातार काम करते हैं, और दावेदारों की संख्या कांग्रेस पार्टी में लगातार बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा वाइज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रबल दावेदार श्री ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया जी हैं और उनके धुर विरोधी श्री जयवान सिंह पवैया जी हैं और इन दोनों के कट्टर विरोधी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। पार्टी का कहना है अभी अभी हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस उबर नहीं पाई है। बीजेपी की जमीनी स्तर की तैयारी जोरदार है, इसलिए कांग्रेस कहीं मुकाबले की स्थिति में नहीं है। देखिए, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे संगठन मंत्री मनमोहन अजय जाम्बल जी ने ग्वालियर लोकसभा के पूरी जो कोर टीम होती है प्रमुख नेताओं की, उसकी बैठक ली है। कांग्रेस अभी अपनी पराजय से उबर नहीं पाई है विधानसभा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तरह एडवांस ही अपने ग्रास रूट का काम शुरू कर दिया है। ग्वालियर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यही वजह है कि प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों की नज़र इस सीट पर है और कांग्रेस के आधा दर्जन दावेदार इस बार ग्वालियर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि बीजेपी के दिग्गज चेहरों के आगे कांग्रेस के तमाम दावेदार कितनी चुनौती दे पाएंगे कहना मुश्किल है। सुशील कौशिक, News 18 ग्वालियर। चुनौती पर चुनौती, छत्तीसगढ़ में भी चुनौती कम नहीं है। सत्ता के महासंग्राम का सिलसिला चुनौतियों से भरा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को प्रदेश की किसी भी एक सीट पर जीत का दावा करने की चुनौती दे दी। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को मौजूदा 9 सांसदों को फिर से मैदान में उतारने की चुनौती दे रही है। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है और इसके साथ ही बदलने लगा है सियासी तापमान। विधानसभा चुनाव के बाद थमी चुनावी सरगर्मी एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। एक बार फिर सत्ता के महासंग्राम का मैदान सजने लगा है। दो धुर विरोधी पार्टियां एक दूसरे को चुनौती देने लगी हैं। पहली चुनौती छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को दी है। केदार कश्यप की चुनौती ये है कि विपक्ष छत्तीसगढ़ में एक भी सीट जीतने का दावा करके दिखाए। हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र है, उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई।
और वो अब उभरने की स्थिति में नहीं है, वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे, तब तक तो चुनाव बीत चुका होगा। पहली चुनौती सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस को दी गई, तो दूसरी चुनौती विपक्षी पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को दी। चुनौती पुराने सांसदों को आगामी लोकसभा चुनाव के मैदान में फिर से उतारने की। केदार कश्यप ने कहा कि एक भी सीट पर जीत का दावा करके दिखाएं, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद ने चुनौती दी कि पिछले सभी 9 सांसदों को फिर से प्रत्याशी बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। हमने शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 9, मतलब पीछे जाता हूं, पिछले समय शायद 10 सांसद थे 2014 में, 10 में से एक सांसद को भी रिपीट नहीं किए, मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हालत रहा। इस समय हम लोग फिर शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास 11 में से 9 सांसद हैं, एक को भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर केदार कश्यप जी में हिम्मत है तो फिर 11 को रिपीट करके बताए, मैं देता हूँ चुनौती। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी केंद्र की सत्ता के शिखर पर कब्जे की दौड़ शुरू हो चुकी है। सत्ता के महासंग्राम का मैदान सज चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सियासी गलियारे में बयानों की तल्खी बढ़ने लगी है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जीत के दावे और विकास के वादों के आगे बढ़कर चुनौती तक पहुंच चुकी है। बहरहाल अभी तो शुरुआत भर है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महासंग्राम में मैदान मारने के लिए संघर्ष के अभी और कई पड़ाव आने बाकी हैं। तनु वर्मा, News18, रायपुर। और इसी के साथ सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। आप देखते रहे News18।